साथियों, अगर बहुत ईमानदारी से कर्ज माफी की जाए तो भी देश में, आपके गांव में भी 100 में से 20, 25 या 30 किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है। बाकी के किसान क्या खेती नहीं करते, क्योंकि वो और ज्यादा गरीब हैं, इसके लिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए? जी नहीं, ये भेदभाव का रास्ता मोदी को मंजूर नहीं है। इसलिए ही भाजपा सरकार इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर के आई है। इसके तहत किसान को साल में 6000 रुपये सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। किसान सम्मान निधि योजना कर्ज माफी की तरह सिर्फ 10 साल में एक बार आती नहीं है, लेकिन मोदी ने जो योजना लाई है वो हर साल किसानों का फायदा करेगी। कांग्रेस की कर्ज माफी योजना से 10 साल में एक बार 50,000 करोड़ रुपया ये इने गिने किसानों के पास जाते थे। मोदी की जो योजना है वो किसान सम्मान योजना के तहत अभी का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया, कहां 50,000 और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में बैंक में जमा होने वाले हैं।